गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट. सो बिफोर दिस वीडियो वी हैव टेकन योर फर्स्ट लेसन ऑफ ग्रामर, दैट इज द सेंटेंस एंड अबाउट एक्सरसाइज. ए एक्सरसाइज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन बी एंड सी एक्सरसाइज. ओके, सो इन बी एक्सरसाइज रीअरेंज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. मतलब इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में रीअरेंज करना है हमें. सो डू नॉट ऐड एनी न्यू वर्ड्स. यहाँ पे कोई और वर्ड्स हमें ऐड नहीं करने, ओनली वी हैव टू अरेंज दिस वर्ड्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप प्रॉपरली. जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि सेंटेंस में शुरुआत कहाँ से होती है, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, सो वी हैव टू डू दिस नाउ. सी, फर्स्ट इज His innocence I in believe. Okay, this is the first. Now this is not in sentence, but we have to rearrange it into sentence. So first we have to take subject. What is subject in this sentence? I. Okay, first I, and then verb. कौन सा यहाँ पे verb? Believe. Okay, I believe. I believe. Okay, subject and then verb and then now object. क्या है? I believe in his innocence. In his innocence. So I believe in his innocence. Now if you read this sentence, then this sentence is a meaningful sentence, right? I believe in his innocence, यानी मैं उसके इनोसेंस में विश्वास करता हूँ या फिर करती हूँ. You understand that? Subject, verb, and then object. This is the formula of a sentence. Begins with a capital letter and ends with a full stop. You understand? Now second, each boy turn must he stick. अभी इसका क्या होगा? Subject क्या होगा इसमें? What is the subject of this sentence? Each boy, first letter capital EACH, each boy. Okay, then we have to take what? Verb here. So what is verb here? Take. Each boy take. Not take, sorry. जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब रहता है, वी हैव टू टेक इट फर्स्ट एंड देन वर्ब. ओके, सो इन दिस सेंटेंस देयर इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज मस्ट. कौन सा है? मस्ट. ईच बॉय मस्ट एंड देन वर्ब टेक हिज टर्न. हिज टर्न देन यू फुल स्टॉप. नाउ रीड दिस सेंटेंस. Each boy must take his turn. मतलब हर एक लड़के को अपनी टर्न देनी पड़ेगी या फिर लेनी पड़ेगी. You understand? Now third sentence. Swimming or exercise is healthy. What can be the subject in this sentence? Swimming. Okay. Now we are talking about swimming in this sentence. This is capital swimming. Now auxiliary verb is, swimming is, then object healthy exercise. Swimming is a healthy exercise. You understand? स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, यानी स्विमिंग जो है वो एक हेल्दी एक्सरसाइज. सो यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सी एक्सरसाइज, दैट इज राइट डाउन द सेंटेंस करेक्टली, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. दिस इज बी एक्सरसाइज. सो वॉट वी हैव टू डू, राइट डाउन द सेंटेंस करेक्टली, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. ये सेंटेंस हमें करेक्ट लिखना है और इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट एट द एंड वी हैव टू यूज फुल स्टॉप. ओके, सो आई लव माय इंडिया, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, बट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट लेटर इज नॉट कैपिटल हियर. आई
okay, love my. Now India is a proper noun. India क्या है? It's a proper noun. And proper noun का first letter वो कहीं पे भी है, you have to write it in capital. Okay, first letter. So I love my India. And then give last full stop. You understand? Now this, he came in while I was out. So इसका क्या होगा? He came in while I was out. सेंटेंस सही है, बस हैव टू टेक फर्स्ट लेटर कैपिटल. ही केम इन व्हाइल, हाँ यहाँ पे कैपिटल नहीं यूज किया है. ओके, सो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि जहां पे भी आता है सिंगल आई, मैं के तौर पे. सो देन यू हैव टू टेक इट कैपिटल लेटर. ही केम इन व्हाइल आई वॉज out. You first stop at last. You understand? In this way, you have to solve this exercise. Last, fill in the blanks with words from the word bank. ये जो bracket में आपको word bank है, यहाँ पे words दिए हैं. You have to fill it in the blanks. Okay? So Nile is the longest in the world. तो Nile क्या है? It's a river. So Nile is the longest river in the world. Okay? Then second, the horse क्या आएगा फिर? Runs fast. Horse क्या करेगा fast? Run करे ना. So the horse runs fast. Then third, sit down and rest a while. Okay? Sit down and rest a while. Most people think so. Correct the mistake and do your work honestly. Understand? मैंने आपको बता दिए हैं पूरे fill in the blank. Just solve this exercise in your notebook and send it on WhatsApp. Okay? Thank you.